नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में विराजमान है राजस्थान में पंजाब के प्रमुख एस्ट्रो एक्सपर्ट व वास्तु एक्सपर्ट पंडित रोहित शर्मा। पंडित जी, बहुत से दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है आजकल सास और बहू में नहीं बनती, तो कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे सास के लिए बहू बेटी बन जाए और बहू के लिए सास माँ बन जाए, सास बहू में मधुर संबंध स्थापित हो ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। तो इस विषय पर पूरी चर्चा कीजिए पंडित जी, और ऐसे उपाय बताएं ताकि हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को इससे बहुत लाभ हो। जी देखिए, ये एक आम समस्या बन गई है कि घर में सास और बहू की आपस में नहीं बनती है, हर बात पे झगड़ा होता है, बात होती है विचारों को लेकर, क्योंकि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो विचारधाराएं हैं, वो कई बार आपस में मेल नहीं खाती, क्योंकि जो आज की युवा वर्ग की पीढ़ी है, बहुएं हैं, उनकी जो सोच है और हमारी जो माताएं हैं उनकी थोड़ी सी सोच में कई बार फर्क आ जाता है, गड़बड़ हो जाती है। हालांकि वो भी अपने हिसाब से परिवार के बारे में पूरा सही सोच रही हैं, जो बहू है वो भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचती हैं, लेकिन फिर भी कई बार विचार ना मिलने से, घर में कोई दोष होने से, जैसे कि अगर घर में कोई पितृ दोष हो, घर में जो आपकी पत्नी है या बहू है उसका मंगल अगर खराब स्थिति में पड़ा हो और माता का यानी कि सास का अगर बुध खराब स्थिति में पड़ा हो, तो जब भी आपस में कोई बात करेंगे तो बात नहीं विवाद करेंगे, बात कुछ भी नहीं होगी। अगर छोटी सी बात हो, भोजन को लेकर की हो, बनानी आपने एक ही सब्जी है लेकिन उसके लिए भी विवाद हो जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे बनानी थी, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है और तनाव यहाँ तक पहुँच जाता है कि कई बार हमें बहुत ही दुखद परिणाम उसके सुनने को और देखने को मिलते हैं। मित्रों, इस समस्या के निजात के लिए वैसे तो मेरे पास बहुत से उपाय हैं और मैंने जिन लोगों को बताए हैं उनको बेनिफिट भी बहुत हुआ है। मैं आपको एक विशेष उपाय आज बताता हूं, आप वो उपाय अवश्य करें। माताएं बहनें ध्यान से सुने, जिनके घर में ये विवाद है सास बहू का, तो बहू या सास दोनों में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। आपने मार्केट से कच्ची हल्दी लेकर के आनी है, कच्ची हल्दी जो कि अभी मौसम आने वाला है और बड़ी जो सब्जी की दुकानें हैं बड़ी, उनके पास आप जब भी जाकर के पूछेंगे तो कच्ची हल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। 100 ग्राम आपने कच्ची हल्दी लेनी है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा एक मुट्ठी भर धनिया लेकर के आना है, साबुत धनिया, सूखा हुआ धनिया, और साथ में आपको चाहिए शहद 1 चम्मच। इसको करना क्या है, जो कच्ची हल्दी है घर के प्रत्येक कमरे में या बहू के कमरे में, अपने कमरे में और ड्राइंग रूम में, कहीं भी उसको अलग अलग जगह पर रख दें, कटोरियों में अलग अलग डाल के। जो धनिया है, जिसने ये उपाय करना है वो व्यक्ति एक मुट्ठी धनिया अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमा करके उसे किसी मिट्टी के बर्तन में या लाल कपड़े में बांध करके रात को रख ले अपने पास अपने कमरे। सुबह उठे, उठ करके अगर तो आप मिक्सी यूज करना चाहते हैं तो मिक्सी, नहीं तो आप जो चटनी कूटने वाला जो कुंडा होता है सोटा,
वो यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि धनिया, हल्दी और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने उसे मिक्सी में से, जार में से निकाल लेना है। निकाल करके प्रार्थना करते हुए घर में कि पति पत्नी के झगड़े या सास बहू के झगड़े या सास ननंद का या कोई किसी भी रिश्ते का आपस में कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें तकरार होती हो, दो महिलाओं का कोई भी झगड़ा हो, आप उसे ले जाकर के चुपचाप सुबह के समय पीपल का पेड़ हो, हरा भरा पेड़ होना चाहिए, उसके आप नीचे छोटा खड्डा करके उसे दबा करके यानी कि उसे हल्का सा मिट्टी में डाल करके आ जाएं और आ करके घर में जिस बर्तन के अंदर आपने उसे बीट किया था या जिस कुंडे के अंदर आपने उसको मिक्स किया था उसके अंदर थोड़ा सा जल, गंगा जल मिक्स करके उसको घुमा करके उस जल से स्वयं सेवन कर लें। हो सके तो बहू को पिला दें, अगर बहू नहीं पी रही है किसी तरह से तो उसके आसपास के क्षेत्र में उसका छींटा दे दें। मित्रों, ये उपाय बिल्कुल सरल उपाय है और इससे बुध ग्रह ठीक होता है, बृहस्पति ठीक होता है और मंगल ठीक होता है। ये तीनों वस्तुएं तीनों ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये जो उपाय है आपको शुक्रवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन आपको करना है। ये उपाय तीन बार आप कीजिए, आप देखेंगे कि इसका इतना सुखद परिणाम है, क्योंकि ये उपाय मुझे आज से करीबन 15 या 17 साल पहले जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में विद्या सीख रहा था तो उन्होंने किसी ऐसी समस्या के लिए किसी को बताया था और उनका इतना सुखद परिणाम हुआ कि सास और बहू की माँ बेटी की तरह बनने लगी, एक दूसरे पर जान कहाँ वो लेने की बात कर रहे थे और कहाँ वो एक दूसरे पर जान देने की बातें करने लगे। ये स्वयं का मेरा अनुभव है, मैंने देखा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। ये बिल्कुल आसान उपाय है लेकिन जो मैंने कहा है ये बिल्कुल वैसे ही करना है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटाओ इसमें मत करना, ठीक है। ये उपाय आप करें और मुझे इसका परिणाम बताएं और फिर मैं आपको एक और विशेष उपाय बताऊंगा जो कि आपको 43 दिन तक लगातार सास को या बहू को एक कोई करना है और पूरे घर में शांति हो जाएगी, ग्रह क्लेश से छुटकारा हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।